जनपद बिजनौर के दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से 25 अवैध शस्त्र सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक थाना नेटौर व थाना नजीबाबाद का है। इसी के साथ पुलिस ने शस्त्र बनाने के उपकरण व फैक्ट्री बरामद की है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि ये लोग असले को 5,000 व 315 बोर राइफल को 30,000 में बेचते थे, जो कि आने वाले चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की संभावना थी, जिसको पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बिना देरी किए छापेमारी कर कामयाबी हासिल की। जनपद बिजनौर के दो थानों में अलग अलग स्थानों पर कुल 25 शस्त्र बने पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं, जिसमें 315 बोर के 12 बोर के तमंचे, 315 बोर के राइफल, 12 बोर की बंदूक, नाल, असलहे बनाने की फैक्ट्री एवं अन्य उसके साथ साजो सामान, नाल उपकरण वगैरह बरामद किए गए हैं। फरमान यह अभियुक्त सातिर की छुट्टा है, कोतवाली क्षेत्र में पकड़ा गया है। इसके खिलाफ एक दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, पहले भी यह कई बार जेल जा चुका है। पंचायत चुनाव में इन असलहों के दुरुपयोग किए जाने की संभावना थी, यह भी पता चला कि 5,000 से 10,000 रुपये तक के बेचते हैं। जो राइफल और बंदूक है 20,000 से 30,000 रुपये के बीच में, जैसे ग्राहक मिल जाए इनका क्रय विक्रय चलता है। अब तक इन्होंने कितनी जगह बेचा है और किसको किसको दिया है, इसके जांच पड़ताल की जानी है। पुलिस करते रिमांड पर लिया जाएगा और अगले में भी कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से नहटौर में बंटी नाम का एक साथी अभी पकड़ा गया है, उसके कब्जे से 5 बने असलहे बरामद किए गए हैं, उसकी भी पंचायत चुनाव में इस्तेमाल किए जाने की संभावना थी। दोनों फैक्ट्री के पकड़े जाने के बाद पंचायत चुनाव को कराने में सहूलियत मिलेगी। लोग कहाँ कहाँ से ले गए हैं इसकी भी जांच पड़ताल की।